बस्तर जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 32 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी है। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गोवा राज्य से एक ट्रक और कार से अंग्रेजी शराब लादकर रायपुर के रास्ते जगदलपुर तक पहुंचाया गया था और आसना के जंगलों में इसे डंप भी किया जा रहा था। इसी बीच आबकारी विभाग की टीम बोधघाट थाने के सहयोग से मौके पर पहुंची और छापामार कार्रवाई करते हुए अंग्रेजी शराब सहित तीन आरोपियों को धर दबोचा। दरअसल गोवा से अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश की बिल्टी लेकर निकली थी, मगर वह अरुणाचल प्रदेश न जाकर बस्तर पहुंच गई। आबकारी विभाग के अनुसार विभिन्न जाँच नाकों में झांसे में लाने के लिए इस तरह की फर्जी बिल्टियाँ तैयार की जाती हैं ताकि किसी प्रकार की कार्रवाई न हो सके। इसी का फायदा उठाते हुए शराब से लदी ट्रक बस्तर पहुंच गई। विभाग के अनुसार बस्तर में दो तस्करों द्वारा 549 पेटी शराब मंगाई गई थी, जिसे आसना के जंगलों में डंप कर गांव-गांव भेजा जाना था, मगर उससे पहले विभाग ने छापेमार कार्रवाई कर दी। पकड़े गए शराब की कीमत करीब 32 लाख रुपए आंकी गई है। कार्टल की चर्चा बार बार सामने आती है, पुलिस विभाग आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई में, ये नागपुर कार्टल के मेन सदस्य हैं जिसके लीडर जो हैं वो रोहित और अतुल हैं। इन दोनों को कल पकड़ा गया है और ये पिछले 1.5-2 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार इस क्षेत्र में ये सक्रिय हो थे और इनका पीछा हम लोग पिछले 1.5 साल से कर रहे थे। इनको पकड़ने की कोशिश 1.5 साल से कर रहे थे जो कल रात को सफल रही। 31,62,240 रुपये की मार्केट रेट अगर छत्तीसगढ़ के रेट पर तय किया जाए तो 31,62,240 रुपये की ये अल्कोहल है, लीकर है। चुनाव से संबंधित शराब नहीं है, क्योंकि अगर चुनाव से संबंधित शराब होता तो प्रयास किया जाता कि ये शराब में होलोग्राम हो, ब्रांड का नाम ना बदला जाए। न्यू गोवा नाम का कोई भी ब्रांड छत्तीसगढ़ में नहीं चलता और शराब के जो पाव है जिनकी जांच की गई उसमें होलोग्राम नहीं है, डिस्लरी अलग है। अरुणाचल प्रदेश के लिए इसमें मिला है, अपना परमिट मिला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के नाम पर परमिट बना हुआ है जिसकी जांच अभी चल रही है, तो ये चुनाव के लिए तो नहीं है। कि गिरोह है, मैं कह रहा हूँ नागपुर कार्टल, जिसके बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सक्रिय नागपुर कार्टल, इंदौर कार्टल, ये दो कार्टल है जिसमें से नागपुर कार्टल के जो सदस्य हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा सामने आता है वो रोहित बाबर और क्या कहते हैं अतुल धुरिया, ये दो नाम बहुत सामने आता है जिसकी तलाश बहुत समय से थी, इन लोगों की तलाश। मामले में आबकारी विभाग ने ट्रक और कार को जब्त कर तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बताया गया है कि इससे पहले भी शराब तस्करों द्वारा कई ट्रक अंग्रेजी शराब बस्तर लाई जा चुकी है। पकड़े गए तीनों आरोपी नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उस समय मैं यहाँ प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी हूँ। मैं सर, अभी प्रकरण है, जैसे पहला प्रकरण मैंने आपको बताया था, पहला प्रकरण जो है बोरपदर के पास में मिला जिसमें 10 पेटी शराब मिली थी और दूसरे प्रकरण में 549 पेटी शराब मिली है। 549 पेटी शराब मिली है, तो दोनों प्रकरण मिला के 549 पेटी जो है शराब की जब्ती हुई है। पहले प्रकरण में जो पहला आरोपी है उसका नाम युवराज यादव, जिसमें 10 पेटी मिला था, और दूसरा जो प्रकरण है उसमें दो आरोपी जैसे अभी बताया गया था, ये जो है ना मेन आदमी है जो नागपुर कार्टिकल की बात कर रहे थे, ये दोनों मेन आदमी हैं। उसके मेन आदमियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, अतुल धुरिया नाम है, दूसरे का नाम है रोहित सुधाकर बाबर, ये दोनों मेन आदमी हैं जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है। और ये जो दूसरा जो जिसमें 549 पेटी जो जब्ती हुई ये आसना जंगल में हुई है इसकी जब्ती, और पहले का मैंने बताया था आपको बोरपदर, वहाँ पर बोरपदर में जो गाड़ी मिली थी अपनी कार, उस पर सूचना के आधार पर बताया गया था कि गाड़ी जो एक ट्रक जो है जिसके द्वारा माल का जो है डंप किया जा रहा है, तो रात को रात भर पतासाजी की गई है इस मामले में। तो इनको आसना जंगल में ये गाड़ी मिली है अंदर में, वहाँ पर ये इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। माल इधर रूट भी देखेंगे तो इधर तो आना नहीं चाहिए थी गाड़ी, गाड़ी इधर आ गई मतलब ये उसका एक जो परमिट का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है, तो गाड़ी को जहाँ जाना चाहिए उस जाकर जा नहीं रही, तो और कहीं आ गई है। तो लोकल का नाम प्रकरण में बताया गया कोई रघुनाथ नाम का आदमी है जो ये पहले जो 10 पेटी शराब को उसको लेने वाला था, डिलीवरी लेने वाला था, और दूसरा जो है उसका नाम ईश्वर है, मतलब इस जैसे बताया गया कि डंप कर देते हैं, उसके बाद जो उनको लेना है वो उनको बता दिया था यहाँ से लेना है करके, इसमें दूसरा आदमी ईश्वर नाम का है, तो दोनों को पता सही है कर हैं कौन लोग। इससे पहले भी क्या अभी प्रकरण ये नागपुर का ये उसी कड़ी के कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई करने से क्या होता है कि
जो छोटे मोटे जो अपराधी हैं वो ऐसी हो जाते हैं, मतलब उनमें ऐसी कमी आ जाती है। हमने क्योंकि एक बड़ा अपराधी को पकड़ा है, बड़ा एक केस बनाया है, तो ये मान के चलिए कि अब ये जो गांव-गांव में जो हो रहा है इस पर भी अब उन पर अब कार्रवाई, जो छोटे अपराधी अब उन पर कार्रवाई। अभी तो हमने बाहर से जो शराब देने का एक लिमिट है उतना लिमिट हम लोग दे रहे हैं, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों का संचालन राज्य सरकार कर रही है, ऐसे में तस्करों द्वारा अन्य राज्यों से शराब लाकर कोचियों के माध्यम से मुनाफा कमाया जा रहा है। आबकारी विभाग ऐसे तस्करों को ढूंढने में लगा है जिन्होंने गोवा से शराब की खेप मंगवाई थी। देश टीवी के लिए जगदलपुर से धर्मेंद्र महापात्र की रिपोर्ट।